can be. दी दीजिए ओम शांति। आज गोली में प्यारे बाबा को ब्रह्मा भोजन स्वीकार करा रहे हैं, तो हमारी ये माताएं बाबा की याद में देखो कैसे बाबा की याद में पूरी बना रही हैं। सभी भाई बहनें भी याद में ही भोजन स्वीकार करेंगे। ये हमारी पुष्पा बहन है, ये हमारी निर्मला बहन है, और ये हमारे महेंद्र भाई जी हैं तुलसी माता जो इतना प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे आज। और ये हमारी तुलसी माता जी हैं, और ये हमारी यहाँ की गोली का स्टाफ है सारा। देखो सभी बाबा को की याद में बना रहे हैं ना, बाबा की याद में बना रहे हैं जी। आज बाबा को सफ़ेद चने की सब्जी और हलवे का भोग, और ये चावलों का भोग ये बाबा को स्वीकार कराएंगे आज। नहीं कसूर मेरा दौड़ी पग आयो बाबा दिया बड़ी खुशी दे दी पूछा नहीं कसूर मेरा दौड़ी पग आयो बाबा कर दिया माप कसूर मेरा इतनी बड़ी खुशी दे दी पूछा नहीं कसूर मेरा जोड़ी पगड़िया आयो बाबा कर दिया माप कसूर मेरा मजकिया दे सकिया देवे न खाऊं को पूछूं परम दाम सकिया देवे न सो को सकिया नाऊन दो सकिया देवे न खाऊं को पूछूं परम दाम सकी गो देवे न सोऊं को तनी बड़ी खुशी दे दी पूछा नहीं कसूर मेरा दौड़ी पगड़िया बाबा कर दिया माप कसूर मेरा शांति ओम शांति। आय शिव बाबा करी किस सुंदर बादल आया परम धाम ते प्योदम गाई परम धाम ते प्योदम गाई ते माता दादी बने आई बे माता आए बेर मान रच दई क्यारी शिव बाबा बीज बगा आए बेर मान रच दई क्यारी शिव बाबा बीज बगा आए शिव बाबा बड़ा निरकारी किस सुंदर बागल आया शिव बाबा बड़ा निरकारी किस सुंदर बागल आया जब मैं प्योदे सुकण लागे जब मैं प्योदे सुकण लागे बाबा कै मन दुखण लाग्या भेज दिए सेवादारी किस सुंदर बागल आए उन भेज दिए सेवादारी किस सुंदर बागल आए मेरा बाबा बड़ा निरकारी किस सुंदर बागल आए मेरा बाबा बड़ा निरकारी।
खस बो न्यारी न्यारी ये खेल रे फूल आए मेरा बाबा बड़ाए न्यारकारी किस सुंदर बलवाया आए मेरा बाबा बड़ाए न्यारकारी किस सुंदर बागलवाया। ओम शांति ओम शांति। अरे सन सर मैं तेरे पास मैं आए हो बाबा रखिए अपने साथ मैं सुख और शांति रखिए हो बाबा सारे सन सार मैं तेरे पास आए हो बाबा रखिए अपने साथ मैं नहीं मरत बेला बेटे बहुत नयाद करूं रीत संबंध तोड़ू तेरे कम प्यार करूं और शांति रखिए ओ बाबा सारे सन तेरे पास हम आए ओ बाबा अपने साथ मैं शांति रखिए ओ बाबा सारे सन तेरे पास हम आए ओ बाबा रखिए अपने साथ मैं नई दुनिया में जाएंगे ओ बाबा छोड़ देश पर दुनिया में जाएंगे बात छोड़ देश पर आए अड़ रावण का राज ओ बाबा फस गए पांच बेकार शांति रखिए ओ बाबा सारे सन ज्योति बिंदु ओ बाबा मैं भी ज्योति बिंदु सुन जो बीती कला देव बाबा मैं तेरी तू में ज्योति बिंदु ओ बाबा तू ते ज्योति बिंदु सुन जो बीती सुख और शांति रखिए ओ बाबा सारे सन सार मैं तेरे पास हम आए ओ बाबा रखिए अपने साथ मैं ओम शांति ओम
Thank you.
दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ती मन ले लिया दौड़ा बाड़ा मेरे दुनिया मारे ताना मन ले लिया दौड़ा घबराना ओ बाबा मैं तेरी ओ लई ओ ताने से क्या घबराना ओ बाबा मैं तेरी ओ लई ओ शिव बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ओ लई ओ प्यारे बाबा दर्शन दे दो मैं तो तेरी हो लई मन दिन में भूख ना लागे रातों को नींद ना आवे मन दिन में भूख ना लागे रातों को नींद ना आवे ओ मन तेरी सतावे ओ बाबा मैं तेरी ओ लई मन तेरी याद सतावे ओ बाबा मैं तेरी ओ लई ओ प्यारे बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ओ लई ओ प्यारे बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी मैं आई तेरे द्वारे बैठी हूँ पाँव पसारे मैं आई तेरे द्वारे बैठी हूँ पैर पसारे ओ जाऊंगी जोड़ी भर के ओ बाबा मैं तेरी ओ लई ओ जाऊंगी जोड़ी भर के ओ बाबा मैं तेरी ओ शिव बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ओ लई ओ शिव बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ओ लई शिव बाबा तन समझावे बातन समझावे भूले को बतावे वो तो जीवन सफल बनावे ओ बाबा मैं तेरी हो लई वो तो जीवन सफल बनावे ओ बाबा मैं तेरी हो ओ शिव बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी ओ प्यारे बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी हो लई ओ मीठे बाबा दर्शन दे दो न मैं तो तेरी हो से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो शिव बाबा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो शिव बाबा से मिलने का ऐसा कोई करो जब आवेंगे यम के दूता जब आवेंगे यम के दूता बांधेंगे कस कर मजबूता बांधेंगे
से कह उनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो जी, उनसे बचने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, प्रिय आत्मा से मिलने का ऐसा कोई करो, प्यारे बाबा से मिलने का ऐसा कोई हो, प्यारे बाबा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। ओ गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी, प्रेम किया ना निपटे ज्ञानी, प्रेम किया ना निपटे ज्ञानी, भव पार उतरने का ऐसा कोई यत्न करो, भव पार उतरने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो। वो सच्चिदानंद आनंद कंद है, वो सच्चिदानंद कंद है, मोह माया में लग्या मेरा मन है, मोह माया में लग्या मेरा मन है, मोह माया से बचने का ऐसा कोई यत्न करो, मोह माया से बचने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो। ओ ज्ञान मार्ग पर जब चलते हैं, ज्ञान मार्ग पर जब चलते हैं, पार ब्रह्म से जा मिलते हैं, पार ब्रह्म से जा मिलते हैं, उस पार ब्रह्म से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, उस पार ब्रह्म से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई करो, प्यारे बाबा से मिलने का ऐसा कोई करो, प्यारे बाबा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, मीठे बाबा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो, परमात्मा से मिलने का ऐसा कोई यत्न करो। अते बाबा तूने ये बचाई मेरा कोई और नहीं, मेरी डोर तेरे अते बाबा तूने लाज बचाई मेरा कोई और नहीं, मेरी डोर तेरे अते बाबा तूने लाज बचाई मेरा कोई नहीं, कर जा था सिर पर इतना सुबह थी दिन रात, कर जा था सिर पर इतना सुबह थी रात, आप मिले तो मिल गई मंजिल, हो गया बेड़ा पार मेरा कोई और नहीं, आप मिले तो मिल
गई मैं, हो गया बेड़ा पार, मेरा कोई नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई नहीं। जब जब धर्म गलानी होती, आप दरा पर आते हो। जब जब धर्म गलानी होती, आप दरा पर आते हो। ब्रह्मा तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हो। ब्रह्मा तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हो। ब्रह्मा तन में आकर के गीता ज्ञान सुनाते हो। ज्ञान सरोवर में आकर के हमें बनाया हंस, मेरा कोई और नहीं। ज्ञान सरोवर में आकर के हमें बनाया हंस, मेरा कोई और नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई और नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई और नहीं। तेरे बैंक में मेरा खाता, मुझको घाटा पड़ता नहीं। तेरे बैंक में मेरा खाता, मुझको घाटा पड़ता नहीं। जितना बांटूं बढ़ता ही जाए, इस पर जोर किसी का नहीं। जितना बांटूं बढ़ता ही जाए, इस पर जोर किसी का नहीं। जितने चेक में काटती जाऊं, रहे पास बुक फूल, मेरा कोई और नहीं। जितने चेक में काटती जाऊं, रहे पास बुक फूल, मेरा कोई और नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई और नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई और नहीं। मेरी डोर तेरे हथ बाबा, तूने लाज बचाई, मेरा कोई और नहीं। शांति। अभी हम सब ने बहुत ही प्यार से, भावना से परमपिता परमात्मा को भोग स्वीकार करवाया, सबने किया ना प्यार से। क्योंकि हम भगवान को क्या दे सकते हैं, लेकिन वो पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी, परमधाम निवासी, परे से परे रहने वाला, हम सबको प्यार देने वाला, हम सबकी पालना करने वाला, हम सबका रक्षक, हम सबका साथी, हम सबका दोस्त, जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। सच्चा दोस्त है ना, माताएं कहेंगी हमारी तो सच्ची सच्ची सखी है भगवान, क्योंकि भगवान से हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। तो बड़े प्यार से हम सब ने बाबा को भोग स्वीकार करवाया।
लेकिन बाबा भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार करते हुए ब्रह्मा भोजन में बहुत सारी शक्तियां भर दी, है ना, दाता है ना, सर्वशक्तिवान है ना, तो इतनी अथाह शक्ति दी है ब्रह्मा भोजन में ताकि आप सभी ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके शक्तिशाली बन जाएं, ऐसे ना। तो अपने लिए भी ताली तो बजा दो कि हमें बाबा इतना प्यार करता है, क्या इतना प्यार हमें भी है जितना बाबा हमारा ध्यान रखता है, इतना हमको प्यार है ना, कितना इतना बाबा से ले, वाह कितना कितना नशा है माता जी को, कहती है बाबा से भी ज्यादा प्यार है। प्यार पर मुझे एक बात याद आती है, एक बार एक व्यक्ति भगवान को पाने के लिए जंगल में कुटिया डालकर वहाँ तपस्या करने लगा। बहुत दिन हो गए उसको तपस्या करते करते, एक दिन वहाँ से एक शिकारी निकल रहा था। अब वो अपना शिकार ढूंढ रहा था, जंगल में उसको एक कुटिया नजर आती है और वो सोचता है देखूं तो सही इस कुटिया में कौन रहता है यहाँ जंगल में। तो उस कुटिया में जाता है और वहाँ एक तपस्वी बैठा होता है, तो तपस्वी को पूछता है कि आप कौन हो। तो वो जो तपस्वी बैठा था उसके मन में आया कि मैं इसी की भाषा में इसको समझा दूं कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं उस शिकार की तलाश में हूँ, मुझे मिला नहीं। और ये बात कहकर वो रोने लगा और इतना उसकी अंदर से भावनाएं उठ रही थी कि वो बहुत जोर जोर से रो रहा था और रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गई परमात्म याद में। तो शिकारी ने उसको थोड़ा हिलाया और कहा कि मुझे बताओ आपको कौन सा शिकार चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो वो तपस्वी कहता है मेरा शिकार इतना आसान नहीं। शिकारी कहता कुछ भी हो जाए मैं आपको आपका शिकार अवश्य दूंगा, मेरा वायदा है। तो तपस्वी कहता है कि सुन, मेरा जो शिकार है वो मोर मुकुटधारी है, मुरली वाला है, पैतंबर धारी है। अब आप सोच लो मेरा जो शिकार है मुझ पे मुस्कान लिए हुए है, उसके मुख पर बहुत मुस्कान है, उसके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ होगा, क्या आप ये मुझे शिकार ला सकते हो। शिकारी ने कहा अवश्य ला सकता हूं और अपना जाल उठा करके उस तपस्वी से दूर कहीं चला गया और वहां जाकर जाल बिछाकर बैठ गया। का मैं भी आज तपस्वी के लिए शिकार अवश्य लेकर के ही जाऊंगा। शाम हो गई, उसको शिकार मिला ही नहीं और उन्हें प्रण किया था कि मैं तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, भोजन की तो बात ही छोड़ दो। रात हो गई, अगला दिन निकला, अगला दिन भी फिर वो ऐसे ही जाल बिछाकर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी शाम हो जाती है शिकार तो आया ही नहीं। रात्रि को फिर उसी धुन में सो जाता है, नींद किसको आएगी, जागरण हो गया ना, है ना, नींद नहीं आ रही थी, दो दिन हो गए थे कुछ खाए हुए। अगला दिन निकला फिर अपना जाल बिछाकर और उसी तलाश में कि मुझे उस तपस्वी का शिकार अवश्य लेकर के जाना है। तो कहते हैं कि वो शिव भगवान, चाहे उसको कृष्ण के रूप में मानते हैं या शिव के रूप में मानते हैं, किसी भी रूप में मानते हैं, लेकिन मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तो सर्वशक्तिवान शिव पिता ही है। तो शिव पिता ने श्री कृष्ण को इशारा किया कि देखो मेरी याद में
व्रत भी कर रहा है। 3 दिन हो गए, अन्न जल सब कुछ छोड़े हुआ है, ठीक है, और 3 दिन हो गए जागरण भी कर रहा है, सच्ची भावना से कर रहा है। और कहते हैं वहाँ श्री कृष्ण जाल में खुद ही आकर के बैठ जाता है और वो शिकारी बड़ा खुश हो जाता है, कहता है लो मिल गया, और उसको अपनी पीठ पर, पीछे पीठ पर बिठाकर तपस्वी की ओर आता है, कुटिया की ओर, और जैसे बाहर खड़ा होता है तपस्वी को आवाज़ देता है, हे तपस्वी मैं आपका शिकार लेकर के आया। तो जैसे वो तपस्वी बाहर निकल कर देखता है, आपस में उनकी आंख मिलती है, तो इतना प्यार में विभोर हो जाता है और श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाता है कि हे भगवान आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, आप इतना ध्यान रखते हैं कि आप इस शिकारी के जाल में ही मेरे प्यार में बंध कर आ गए हैं। तो तभी भक्ति में ये गायन है कि जिसका सच्चा प्यार होता है तभी कहा जाता है भक्तों के वश में है भगवान, ऐसे ही नहीं कहा। तो कैसे उन भक्तों के वश में हो गया, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि सच्चा प्यार था, दिल का प्यार था, कोई कपट नहीं थी और कुछ मांग भी नहीं रहा था, उस वो कोई व्यक्ति मांग थोड़ा ही रहा था, ये था मुझे भगवान को पाना है। तो हमें भी ऐसे ही उस पिता परमात्मा से सच्चा प्यार है, ये प्यार की कहानी है ना। तो हमारा भी सच्चा प्यार है कि हमारे प्यार को देखते हुए इस संगम युग पर पिता परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण का गोपियों से इतना प्यार था कि भले उनको छोड़कर चला गया, लेकिन फिर भी उद्धव को भेजा, लेटर लिख करके भेजा कि ये मेरी सखियों को दे देना। और कहते हैं जब उद्धव उस लेटर को लेकर के आता है तो सभी सखियां उसको चिपट जाती हैं और कहती हैं मुझे दो, मुझे दो, है ना। लेकिन वो लेटर ऐसे ही एक दूसरे से पकड़ते पकड़ते क्या होता है, क्या होता है, फट जाता है और टुकड़े टुकड़े उनके हाथ में आते हैं, यही कहते हैं ना। लेकिन उनका क्या था, प्यार, और कौन सा प्यार था, सच्चा प्यार, समझ रहे हो ना, कौन सा प्यार था, सच्चा प्यार था। तो कई गोपियों ने तो ये कहा कि हे उद्धव हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो ये पढ़ना नहीं आता, आप ही पढ़कर सुना दो। कौन सा यादगार था, आज हमारी भूली भूली माताएं जिनको पढ़ना नहीं आता वो मुरली लेकर घर जाती हैं और घर अपने पोतों को या अपने बच्चे को या अपनी बहू को जाकर के कहती हैं ये मुझे भगवान के महावाक्य सुना दो, यही कहती हैं ना। तो ये है सच्चा प्यार, है ना। और सच्चे प्यार में बंध कर परमात्मा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करते हैं। आज बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा काम दिया है, बच्चे जैसे तुम याद करते हो और भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हो, मुझे याद करते हो, चाहे तो आप बीज रूप स्थिति में याद करते हो, परम धाम में ज्योति बिंदु बनकर ज्योति बिंदु परमात्मा को देखते हुए है बीज रूप स्थिति, ठीक है ना, तो सब करते हो ना सुबह सुबह, या फिर फरिश्ता रूप में याद करते हो सूक्ष्म वतन में पिता श्री ब्रह्मा बाबा के साथ। दो प्रकार की याद, और तीसरे प्रकार की याद कि कोई तुम ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, लेकिन कितने भी प्रकार की याद करते हो गिनती तो याद में ही होगी ना, चाहे बीज रूप स्थिति में याद करो या फरिश्ता रूप में याद करो
या तुम मनन चिंतन करो, ऐसे ही तुमको याद के साथ साथ सेवा भी करनी है। अब सेवा कौन सी करनी है, वो भी सच्चे दिल से करनी है। ऐसे नहीं कोई कहे हम तब सेवा करें ना, या समय आने पर बहन जी कर लेंगे ना, नहीं, या चांस मिलने पर सेवा करेंगे ना, लेकिन नहीं, चांस मिलेगा नहीं, चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, ठीक है ना। और अन्य आत्माओं को संदेश देना बाकी है, ऐसे है ना। कितना बड़ा ये गोली गांव है ना, लेकिन इसमें से कितनी बहनें आई हैं, कितने एक भाई आए हैं, तो कितना भी संदेश देना बाकी है, तो कौन करेगा वो सेवा? करेंगे तो जी हमें, हम ही करेंगे ना, हैं? तो ऐसे आपको सेवा भी करनी है, याद के साथ साथ सच्ची सेवा भी करनी है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले सेवा अपने आप की करनी है। हम अपनी सेवा नहीं करते तो दूसरों की कैसे कर पाएंगे? अपनी सेवा कैसे करनी है? जब एकांत में बैठते हो, बाबा की याद में बैठते हो, तो अपने आप को देखना है कि मेरे विचार सुव्यवस्थित हैं, सही हैं, किसी के प्रति कोई खराब विचार तो नहीं, अच्छे विचार हों, मेरी सोच कैसी है, ऐसे अपने आप की सेवा करनी है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है विचारों में, तो उसको ठीक करना है, ये है अपनी सेवा करना। या जितनी भी यहाँ सासू माँ बनकर बैठी हैं, वो अपने घर में अपने विचारों को कैसे ठीक करें, वो ये विचार दें अपने आप को कि मेरी जो ये बहू है, ये बहू नहीं, क्या समझेंगे, आप सबको पता है, ये मेरी बेटी है। ऐसे नहीं, आज बहू ने सारा दूध ही पी लिया, पिला दिया, पिया नहीं पिला भी दिया, तो कैसा विचार हुआ, घी जितना था ना डिब्बे में सारा ही खत्म कर बैठी है ना, आटा इतना बनाना था इतना बना दिया, सब्जी कम बनानी थी ज्यादा बना दी, वेस्ट कर दिया, ये विचार कैसे हैं? तो उन विचारों को ठीक बनाना, अपने विचारों को शुद्ध बनाना, प्यार के बनाना, ये है अपनी सेवा करना। और जितनी भी यहाँ पर पुत्र वधू बैठी हैं, वो अपनी सासू माँ को सास न समझकर क्या समझे, क्या समझे, ये मेरी धर्म की माँ है, उस माँ को तो छोड़ आई, लेकिन ये मेरी धर्म की माँ है। और जब ये विचार देंगे ये मेरी माँ है, तो उसको खाने पीने में, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। नहीं तो आज क्या करती हैं जो पुत्र वधू हैं, पहले तो हम सुनते थे देखते थे, पुत्र वधू जो होती थी सासू माँ को ससुर को, शाम का वक्त होते ही ये पूछती थी कि आज शाम को क्या बनाना है और सुबह क्या बनाना है, तो ये क्या था, प्यार, सम्मान। लेकिन आज ये सम्मान देना, ये प्यार कोसों दूर चला गया है ना, ऐसे कोसों दूर चला गया, लेकिन इस प्यार को फिर से बनाना है। क्यों? क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं, एक घर के वासी हैं, एक ही घर हमारा हिसाब किताब चुकतु होना है, तो हमें अपने बड़ों को, अपने से बड़ों को क्या देना, सम्मान देना, इज्जत करना। बनाना तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो सम्मान देते थे ना, क्या खाएंगे, बनाना तो वही होता है घर में, लेकिन बड़ों का मन खुश हो जाता है, आज बहू ये बनाएगी, और दूसरों को भी कहेगी मेरी बहू मेरे से बिना पूछे सब्जी भी नहीं बनाती है ना। तो प्यार बढ़ेगा या घटेगा,
तो क्या वो सासू माँ प्यार नहीं देगी? देगी ना। तो हम ये प्यार का हाथ बढ़ाएं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, घर में सुख शांति रहेगी। हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति रखना, यही कहते हैं ना। तो सुख शांति कैसे आएगी, जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे। बहू अपनी सासू माँ को सम्मान दे और सासू माँ बहू को सम्मान दे तो घर में क्या होगा, सुख भी होगा और शांति भी होगी। तो जिस घर में सुख शांति होगी वो घर शक्तियों से भरपूर होगा। परमात्मा भी उस घर में शक्तियाँ देता है, क्योंकि परमात्मा भी देखता है ये बच्चे मिलकर रहते हैं, तो परमात्मा भी मदद करता है। वैसे भी दुनिया में देखा जाए, घर में प्यार होगा ना आपस में, तो उनको पड़ोसी भी मदद कर देते हैं, ऐसे है ना। वो जो आपस में ही प्यार नहीं रखते तो उनको पड़ोसी भी रिश्तेदार भी मदद नहीं करते हैं। तो हम सबको आपस में प्यार का हाथ बढ़ाना है, क्योंकि हम प्यार के सागर शिव बाबा की संतान हैं। हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करने वाले हैं, ऐसे है ना। ऐसे तो नहीं ना ऊपर ऊपर से याद करते हों, दिल से। दिल का प्यार दिल तक पहुंचता है, और जितना जो त्यागी होगा तपस्वी होगा भगवान भी उसको सहज मिल जाएगा। तो संगम युग पर शिव बाबा स्वयं इस सृष्टि पर आकर एक एक बच्चे को गांव गांव में, यही कहेंगे ना, गांव गांव से एक एक बच्चे को चुन रहे हैं। तो क्या चुनने वाले बच्चों में, सिलेक्टेड बच्चों में आप सब होना देखना है। क्या मैं सिलेक्टेड भगवान का बच्चा हूँ देखना है, क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक एक बच्चे को चाहे वो याद करे या ना करे शक्ति तो देता है भगवान। क्यों देता है, क्योंकि उसको सबको लेकर के जाना है। पर साथ में एक बात जरूर कहते हैं कि पुरुषार्थ अनुसार वर्षा पाएंगे। तुम जितना मेहनत करते हो इस वक्त उसका कितना गुणा मिलेगा। किसान तो खेत में बीज डालता है, कहते 100 गुणा मिलता है, एक का 100 गुणा मिलता है, लेकिन भगवान तो हमें पदम गुणा देते हैं, है ना, जिसकी गिनती नहीं कर सकती, अथाह देता है। तो उस अथाह देने वाले सर्वशक्तिवान परमात्मा का आज हम सभी मिलकर जन्मदिन मना रहे हैं। तो जन्मदिन जब किसी का भी मनाते हैं, इधर देखो, जब जन्मदिन किसी का भी मनाते हैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, आते हैं ना, कुछ ना कुछ। और वो गिफ्ट लेकर के आते हैं जो जिसके जन्मदिन पर जाते हैं जो उसको पसंद हो, ठीक है। तो आज हम किसके जन्मदिन पर आए, बाबा के, तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, लेकर आए, लेकर आए ना। उसको क्या गिफ्ट पसंद है, जो सच्चे दिल से उसको याद करता है, है ना। तो उसको दिल पसंद है, हैं, ठीक है ना। तो दिल किसको देना है, बाबा को देना है। ये गिफ्ट हमको बाबा को देनी है, सच्चे दिल से उसको याद करना है। पक्का देंगे आप सभी, जब हम झंडे के नीचे खड़े होंगे तो ये वायदा करना है, बाबा आपको प्यार से याद करेंगे, सबको आपका परिचय आपका संदेश जरूर देंगे, ये सच्चे दिल से हम सेवा जरूर करेंगे, है ना। त्याग में ही भाग है, उससे ही हमको खुशी मिलती है। जैसे इस पर मुझे एक बात एक और याद आती है, कहते हैं जब उससे दिल लग जाती है ना फिर कुछ भी नजर नहीं आता। राजा गोपी चंद की कहानी सुनी है ना। राजा गोपी चंद कहते हैं जब स्नान कर रहा था
उसकी माता ने उसको देख लिया और उसके मन में संकल्प एक ही आ गया, इसके पिता की भी कंचन काया थी, वो भी संसार में नहीं, और गोपीचंद राजा की भी कंचन काया है, इस कंचन काया को ये इसी में ही राज्य में ही रुला देगा। और माँ ने कहा, बेटा अब ये राज्य तेरे लायक नहीं, अब जाकर के सन्यास ले लो। तो उसने माँ का कहा मानकर क्या किया, सन्यास ले लिया। उस टाइम का गुरु गोरखनाथ का बहुत नामाचार था और गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपका शिष्य बनना है। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, ऐसे नहीं, हे राजन, आप अपना राज्य छोड़ करके आए हो, आप अपनी रानी और कन्याओं को छोड़ करके आए हो, आप ऐसे मेरा शिष्य नहीं बन सकते। तो राजा ने कहा, तो कैसे? कहा, सबसे पहले अपनी माता से भिक्षा लेकर के आना और दूसरा अपनी रानियों से भिक्षा लेकर के आओ, तब मानूंगा कि आप सच्चे त्यागी और तपस्वी हो, तब मेरा शिष्य बनना। तो सबसे पहले माता के पास जाता है और माता से भिक्षा मांगता है और माता ने उसको चार वरदान दिए, याद है ना सबको, चार वरदान दिए। पहला वरदान, हे गोपीचंद, आपको किले के अंदर रहना है। दूसरा, आपको फूलों की सैया पर सोना है। तीसरा, आपको छत्र छाया में चलना है। और तीसरा, आपको 36 प्रकार का भोजन स्वीकार करना है। ठीक है, ये चार बातें उसको दे दी। गोपीचंद राजा कहता है, हे माते, ये जो आपने मुझे बातें बताई, किले के अंदर रहना, अब मैं आपका वो राजा बेटा नहीं हूँ जो मैं किले के अंदर हूँ, मुझे जंगल में रहना है, मेरे लिए वहाँ कौन किला बनाएगा, कौन मेरा पहरा देगा? दूसरा, आपको छतर छाया में रहना है, मेरे ऊपर कौन छतर लेकर के चलेगा? ठीक है ना। तीसरा, कि आपको 36 प्रकार का भोजन स्वीकार करना है। और चौथा कहा था, आपको फूलों की सैया पर सोना है। तो माता ने कहा, बेटा आप मेरा भाव नहीं समझे, इसका भाव समझो। और एक एक बात का भाव समझाया माता ने, किले के अंदर रहना, आप कोई ऐसा काम ना कर देना जो कि आपकी किसी को रक्षा करनी पड़े, अपना ऐसा कवच बना करके रखना तपस्या का कि जिससे आपके ऊपर कोई वार ना करे। और दूसरा, छतर छाया में चलना, अर्थात जल्दी सवेरे उठकर भगवान को याद करना, उसकी छतर छाया में रहना, ये नहीं कि आपके ऊपर कोई छतर लेकर के चलेगा। और तीसरा, 36 प्रकार का भोजन खाना, अर्थात इतनी मेहनत करना इस शरीर से कि आपको अगर सूखे टुकड़े भी मिले तो उसका भी, उसको भी खाओ, तो 36 प्रकार के भोजन का आनंद आए। और चौथा, फूलों की सैया पर सोना, अर्थात इतनी मेहनत करना कि चाहे आप डलों पर या पत्थरों पर भी लेटोगे तो आपको परमात्म प्यार में इतनी गहरी नींद आए कि आप ऐसा अनुभव करो कि मैं फूलों की सैया पर सो रहा हूँ, फूलों के पलंग पर सो रहा हूँ। तो ऐसी माँ से चार बातों का ज्ञान लेकर और अपनी धर्म पत्नियों के पास जाता है और उन्होंने भी कहते हैं, कहा, किस पर छोड़ी 16 रानी और किस पर छोड़ी ये 12 कन्याएं। तो वहाँ भी यही इशारा किया, उस पर छोड़ी 16 रानी और उसी पर छोड़ दी 12 कन्याएं, आप मुझे भिक्षा दो। तो कहते धर्म पत्नियों ने भी यही कहा कि आप अपने धर्म पर अडिग रहना, आप कहीं भी विचलित ना होना, आपके मार्ग पे कोई ऐसा
कोई मार्ग ना दिखाई दे जिसको आप पार ना कर सको, आप अपने सीधे चलते जाना। और ये वरदान देकर लेकर के गोपी चंद राजा गुरु गोरखनाथ के पास आता है। तो उसने कैसा परमात्म प्यार पाकर नाम रोशन किया। तो ये जो चार बातें गोपी चंद राजा की थी, उसी के लिए थी या हम सब के लिए भी है? हम सब के लिए भी है ना, क्योंकि हमें भी परमात्म प्यार भी चाहिए, मेहनत भी करनी है, परमात्म छत्र छाया में भी रहना है। और कैसा भी खाना मिले परिवार में, कैसा भी परिवार है या कैसी भी परिस्थिति है, परमात्मा ने वो ज्ञान दे दिया, अंदर का अंधकार मिटा दिया कि आप हर हाल में खुश रहो। बता दिया ना क्या करेंगे सभी, हर हाल में खुश रहेंगे। परमात्म छत्र छाया में जब रहेंगे तो हर हाल में खुश रहेंगे। तो आज हम सभी बड़ी खुशी से, बड़ी लगन से परमात्म प्यार में समाये हुए आज उसका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिवान शिव भोला भंडारी, आज हम भी उसको खुश करने के लिए, उनका जन्मदिन मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी सच्चे दिल से उसको याद करेंगे और उसका जन्मदिन मनाएंगे, गिफ्ट देंगे। आज हमारे ईश्वर भाई को आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, महाशिवरात्रि की बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहना हमारा स्वभाव है। परम शक्ति, परम पिता, परम आत्मा जो हम सभी आत्माओं का सच्चा पिता है। भले ही हमने अपने घर में, अपने जीवन में, संसार के हिसाब से, लौकिक के हिसाब से जो मान्यताएं, जो हमको समझाया गया, जिन देवी देवताओं के बारे में बताया गया, वो सब हम मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए। जो बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी मान्यता, वो सब हमारे देवी देवताओं में है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिस विद्यालय में आत्मा की, परमात्मा की, सृष्टि चक्र की, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की, इस सृष्टि के स्थापना की और इस सृष्टि के परिवर्तन की ये पाठ जो है हमें पढ़ाया जाता है। और इस पाठ में सबसे पहला पाठ है कि मैं कौन हूँ। इस पढ़ाई में सबसे पहला पाठ कि मैं कौन हूँ, इसकी गहराई को समझो। मैं कौन हूँ, इस पहेली का उत्तर आज तक भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया, विद्वत समाज नहीं निकाल पाया, बड़े बड़े महात्माएं नहीं निकाल पाए। जो हमको परमात्मा पिता ने आकर के एक सेकंड में बता दिया कि बच्चे आप अजर, अमर, अविनाशी, चेतन शक्ति आत्मा हो, हमको आते ही बता दिया। जिस शांति से को ढूंढने के लिए इंसान दुनिया के चारों छोर को पार कर गया, लेकिन शांति फिर भी प्राप्त नहीं हुई। कहने का भाव, चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान है, आखिर उसको भी आज शांति की प्राप्ति नहीं है। कितना कोई पढ़ा लिखा है, उसको भी असीम शांति का अनुभव नहीं है। इसीलिए बहन जी आपको उद्धव की कहानी सुना रहे थे
बात बता रहे थे कि वो सच्ची शांति, सच्चा स्नेह, सच्ची खुशी भौतिक संसार की किसी भी पद में नहीं है। सच्ची शांति है तो कहाँ है? हमारे अपने खुद के वास्तविक चिंतन में। जब हम सभी बार बार दोहराते हैं अपने मन में कि मैं बहुत शांत हूँ, बोलो सभी, मैं बहुत शांत हूँ। जब इस बात को आप, इस छोटे से महावाक्य को आप बार बार दोहराएंगे अपने मन में, बार बार दोहराएंगे, केवल एक यही बात दोहराओ लगातार कई दिन, फिर आप खुद अनुभव करेंगे कि शांति मुझे प्राप्त हो गई है, अपने आप मिलेगी आपको। इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में श्री बाबा ने महामंत्र दिया ओम शांति का। क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। आते ही हमको पहला पाठ पढ़ाया कि आप शांत हो। हमारी इस आध्यात्मिक पढ़ाई में पहला पाठ कौन सा है? कि मैं शांत हूँ। जब हम अब खुद शांत होंगे तो हमारे घरों में शांति आएगी। आज हम स्वयं ही अशांत हैं, आज हम स्वयं ही मेरे मेरे के चक्कर में हैं, आज हम स्वयं ही धन कमाने के ही चक्कर में हैं। बस पैसा कहाँ से मिले, बस ये हमारे मन में चलता रहता है। प्राप्ति होनी चाहिए बस पैसे की, पुत्र की, जमीन की, जायदाद की, बस ये मिलना चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए था और ले क्या रहे हैं? और फिर कहते हैं बहन जी हमारा मन तो टिकता ही नहीं है भगवान में, क्या करें? कैसे टिकेगा जब सारा दिन चिंतन ही इसी चीज का है, जो साथ नहीं जाना, समझ रहे हो ना सभी? जो चीज साथ नहीं जाएगी, दिन भर उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी की जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, उसी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, तो बताओ हमें आपका मन टिकेगा कैसे? मन टिकेगा तब जब आप अपने आप को रोज समझाएंगे कि मैं बहुत शांत हूँ। जब आप ओम शांति का पाठ पढ़ेंगे तो आपके पास धन वृद्धि भी होगी, ये बात नहीं है। आपका जो हक होगा जमीन जायदाद के हिसाब से, वो भी आपको मिलेगा। आपको पुत्र प्राप्ति भी होगी, आपका समाज में इज्जत भी होगी। इज्जत भी तो चाहते हैं ना कि समाज में इज्जत हो। आप जीवन अपना अच्छा जिएंगे, खुशी से जिएंगे। खुशी जीवन की बहुत बड़ी खुराक है। खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश हैं तो समझो खुराक मिल रही आत्मा को, और दुख जैसा कहते गम नहीं है ना। तो इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं, इस खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें खुशी भरा चिंतन करना पड़ेगा। और आप चिंतन तब कर पाएंगे अच्छी अच्छी बातों का, जब आप स्वयं को पहले शांत करोगे। कौन से गुण का प्रयोग करेंगे हम सभी? शांति का। इसीलिए अगर ज़्यादा नहीं कुछ बोलना आता तो ये तो कह ही सकते हैं ना कि ओम शांति, ओम शांति तो बोल सकते हैं ना अपने मन में। तो ओम शांति का ही लगातार और आराम आराम से अपने मन में जाप करो, अजप्पा जाप। इसकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए, और सारे बिगड़े काम बनेंगे हमारे, ऐसी बात नहीं है। घर के सारे काम काज संवरेंगे, हर चीज़ अच्छी होगी। आप देखेंगे कि कितनी बीमारियों से आप मुक्त हो गए हैं, शरीर की बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। ज़्यादा नेगेटिव सोच सोच के ज़्यादा मेरा कर के आज हम शरीरों में हमारे बीमारियां लग गई। और सबसे पहला सुख क्या बोलते थे? पहला सुख निरोगी काया, यही मानते थे ना। आज हर काया में बीमारी है, नहीं है, हर एक काया में बीमारी है। बीमारी किस वजह से? हमारे गलत सोचने से। इस बात को आप मानो या ना मानो, ये सारा हमारा दूसरों के बारे में जब हम गलत सोचते हैं तो उसका तो बाद में होता होगा नुकसान या नहीं होता होगा वो नहीं पता, लेकिन सबसे पहले अपना नुकसान होता है। मानोगे इस बात को? इसीलिए परमात्मा पिता ये बात कहता है किसी के लिए भी,
किसी के लिए भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, अपने लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए। सबके लिए अच्छा सोचो, सभी के लिए अच्छा बोलो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। सभी के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। तो ये तो लेने का लेना जो दे रहे हैं हम, देने में लेना समाया हुआ है। आज हम लेने लेने की ज़्यादा भावना रखते हैं, देने की नहीं रखते। तो जो दे रहे हैं वही मिलेगा, क्योंकि ये रूल है, ये विधाता का विधान है कि जो हम देंगे वही हमें लौट करके, बोलो सभी, मिलेगा। पक्का इस बात पे तो विश्वास होगा ना। धरती में दाना डालते हैं तो वो वापस क्या देती है, उसी का फल बना के देती है। इसी तरह से जो हमारे भी कर्मों की खेती है, हम जो करेंगे हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो अब हमें सोच समझ के कर्म करने चाहिए, सोच समझ के हमें बोलना चाहिए और सोच समझ के ही हमें सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर निरोगी काया रखनी है तो ये हमारा पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी और चौथा सुख कहे में नारी। ये सुख है तब हमें सुख मिलता है। आज हम सुख में नहीं है, आज जीवन काट तो रहे हैं परंतु ऐसे काट रहे जैसा हो रहा है, बस ठीक है ना। तो खुशी से भरा जीवन, बाबा श्री बाबा का जो बर्थडे है वो सही मायने में हम तभी मना पाएंगे जब हम अपने आप से कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे कि आज से मुझे सबके लिए अच्छा ही सोचना है, आज से मुझे सबका भला ही करना है। जब हम ये मन बनाएंगे, मुझे मेरे परिवार में शांति रखनी है, मैं शांति रखूंगी तभी बच्चे भी शांत रहना सीखेंगे। बच्चों पे असर जाता है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जन्म तो दे दिया, जन्म देना मात्र ही कार्य पूरा हो गया ये मत सोचना, ये अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इनको संभालना, इनके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें डेवलप करना, ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन पहले हम स्वयं पक्के रहें अंदर से, पहले हम स्वयं गुणों को भरें, तभी तो हम इनमें भी गुण डाल सकते हैं ना। इसीलिए आप सभी बहुत समझदार हैं, तो अपने आप को तपस्या रत करें, तपस्या में लीन करें अंदर ही अंदर, अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं। घर बार छोड़ के कोई तपस्या नहीं कर पाया, हमने भी अगर घर बार छोड़ा तो आपके लिए, अपना पूरे बड़े परिवार में आ गए हम, हमने छोटा ही परिवार तो छोड़ा है बस। ये कौन बैठे हैं सामने, ये हमारा परिवार ही तो है, तो बड़े परिवार में आ गए, छोड़ा तो हमने भी कुछ नहीं है, हमने प्राप्तियां की है, जो हमें परमात्मा से मिला हम चाहते हैं कि आपको भी मिले, है ना। तो आप डेली बाबा की मुरली, यहाँ ईश्वर भाई जी के घर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला खुली हुई है जहाँ पे हर रोज मुरली चलती है, तो आप लगातार हमारे कहने से 3-4 महीने मुरली सुनकर देखो, देखो आपको कितनी शक्ति मिलती है। जितनी अच्छे से मुरली आप सुनेंगे, आप अपने मन में बहुत खुशी को प्राप्त करेंगे, शांति का अनुभव होगा आपको, खुशी का अनुभव होगा आपको। जो बात मुरली में समझ नहीं आती है वो आप सेंटर का नंबर ले लो, फोन नंबर, फोन पे पूछ सकते हो, हम आपको तभी भी समझा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आज भाई जी के घर पे प्यारे बाबा आज पधारे हैं, अपना ध्वज लहराएंगे, सभी भाई बहने अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, बाबा का झंडा लहराएंगे सभी मिल करके, और फिर यहीं बैठ जाएंगे और ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे बहुत शांति से, कोई भी बोलेगा नहीं, बहुत शांति से, शांति के सागर श्री बाबा की याद में बैठ करके हमको भोजन स्वीकार करना है और फिर जा करके अपना कारोबार संभालना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
नहीं।